ना सिटिंग चेयर ले रखी, सबको नाश्ते की मिठाई आ रहा था नाश्ते का। वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ अंकिता। आप सोच रहे होंगे कि हिरेन मेरे साथ क्यों नहीं है, बिकॉज ये हम लोग आए अभी, तो हम लोग रेलवे स्टेशन में, हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं बॉम्बे रेलवे में या ट्रेन में। हिरेन एक्चुअली मैं स्टार्टिंग से व्लॉग नहीं कर पाई, मैंने सोचा था मैं घर से निकलूंगी और व्लॉग करूँगी, पर हिरेन इतना ज़्यादा लाइक क्वेश्चन मार्क वाला फेस था उसका, क्यों हम ऐसे क्यों जा रहे हैं, ट्रेन में क्यों जा रहे हैं पहले तो, बिकॉज हिरेन जनरली ट्रेन में ट्रैवल नहीं करता है। उसने आई थिंक शायद से 3 बार ट्रैवल किया होगा ट्रेन में, तो वो इतना फ्रस्ट्रेटेड था कि क्यों ट्रेन में जा रहे हैं, क्यों ट्रेन में जा रहे हैं, वो भी पूरे दिन में। और ज़्यादा उसके लिए शॉकिंग होने वाला है, वो आपको पता चलेगा ट्रेन के अंदर जब हम बैठ जाएंगे कि क्यों है। तो हिरेन एक्चुअली अभी हमारे मेरे लिए नाश्ता लेने गया हुआ है, और वो जैसे ही आता है वैसे ही मैं उसका रिएक्शन और बाकी सारी चीज़ें कैप्चर करने का ट्राई करूंगी। तो प्लीज़ आप पूरा व्लॉग देखिए और हमें लाइक कीजिए। डब्बा नंबर C2। क्यों नहीं हो सकता? C2 है सर। नहीं मैं टिकट चेक, हाँ वही है तेरे पास चेक कर, रिकॉर्ड भी कर दे ऐसे ही। C2 ही है चल। अरे सीटर है ये, नहीं होगी चल टिकट है सीटर है। ये कोड में लिखा उसको सिटर बोलते हैं। तो सिटिंग चेयर थी चल टाइम हो रहा है, 6:54 हो गया है, साथ में निकलेगी वो। बाय फिर चल देख, फिर हमने को करना पड़ेगा शाहरुख काजोल जैसा। यार सुबह सुबह मेरे को मूड नहीं खराब करना है। हीरे जल्दी ट्विटर क्यों लिए तुमने? चल ना मानने का बंदा, मेरे ब्लॉग के लिए। हीरे तो अंदाजा कितने घंटे की है ट्रेन? 9 घंटे की ट्रेन है। और मुझे पता है तू क्या बोलेगा, जो फ्लाइट में 45 मिनट में हो जाता है वो चीज़ तू 9 घंटे करवा रही है। एक एक्सपीरियंस करवा रही हूँ ना हिरन तेरे को मैं। अरे मैंने तेरी जिद की वजह से हाँ बोला ना कि ट्रेन में चलते हैं। देख तू ट्रेन में ट्रैवल नहीं करता, मुझे भी पता है, पर ये एक्सपीरियंस है ना। एक मिनट भैया, अपना ब्रेकफास्ट में कुछ करने का नाश्ते में? हाँ क्या क्या है? देख ब्रेकफास्ट है इडली आलू पराठा, इडली आलू परोठा, ब्रेड बटर चीज सैंडविच। अच्छा ठीक है, तो आप आलू परोठा? चल ना हिरेन चल, मजा आएगा हिरेन। आलू परोठा और क्या जो बोलना बोल, और सबसे सुबह के 7 भी नहीं बजे, शाम के 4 बजे पहुंचेंगे। नाश्ता ऑर्डर बोल दिया है, बोल दिया मैं सिटिंग चेयर ले रखी, सबको नाश्ते की मिठाई आ रहा था नाश्ता का। और 56 मतलब अंकिता वो भी नहीं है साथ में अपने। हमने बात कर लेंगे ना किसी से, देखो ऐसे हम जाने वाले हैं। बोल हाय फ्रेंड्स, बोल। देख मैं तेरे व्लॉग में नहीं करती तो सबको बोल हाय फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन, लाइक द वीडियो एंड कमेंट बिलो। सो ट्रेन चलने लगे और लोग बैठे हैं, किरण की सीट यहाँ पर बैठी हुई थी और मेरी सीट वहाँ पे।
वहाँ पे थी, तो मैं हम दोनों एक साथ में बैठा है एंड यहाँ पे जिसकी सीट होगी मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगी कि वहाँ पे चले जाए, हो सो वो मान जाए, नहीं तो हम दोनों को अलग अलग बैठ कर ट्रैवल करना पड़ेगा। एंड हाय हाय तो बोल दे हाय। और हिरेन अब करेगा नाश्ता, आलू पराठा सिटिंग कार चेयर ट्रेन में, न्यू एक्सपीरियंस। सो आर यू एक्साइटेड फॉर आवर जर्नी टू बॉम्बे? मेरे को प्रॉब्लम क्या है पता है? क्या मैं गुस्से मत मेरे में तो ओके क्या मेरे को प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा ये है कि तू दिन में लिया सेटर लिया वहाँ जाके काम करना दिमाग खराब हो जाएगा मेरा। एक्सपीरियंस करवाना था मुझे तेरे को एक नया वाला। अंकिता मैं यहाँ से वहाँ पहुँचने के बाद 8 घंटे काम नहीं कर सकता। मैं भी तो काम करने वाली थी तेरे साथ, मैं भी तो सेम ट्रैवल कर रही हूँ। मैं नहीं कर सकता। तू ऐसा ब्लॉग बना रही है कि ऐसा प्रैंक बना रही है? ऐसा ब्लॉग बना रही हूँ। भाई तो पता नहीं क्यों मेरी स्किन आज अच्छी लग रही है ट्रेन में। मेरे को वाइट लाइट है। Hey guys, तो अंकिता तो अभी अंदर सो रही है एंड मैं क्या बताऊँ, मेरी तो गर्दन बैक सब रह गया है। मैंने भी सोने की ट्राई की पर बार बार नींद खुल जाती है। एक चीज़ आज से डिसाइड की है कि कितनी भी इमरजेंसी हो पहले टिकट चेक कर लूँगा एंड सिटिंग में तो कभी नहीं आऊँगा। वैसे ट्रेन में ही कम आता हूँ बट स्टिल सिटिंग में तो बिल्कुल नहीं आऊँगा। रात को आराम से सो के सुबह पहुँचना इज़ द बेस्ट ऑप्शन। एंड अभी मैं दरवाज़े पे थोड़ा फ्रेश होने के लिए आया हूँ, यू कैन सी लोग बैठ जाते हैं थोड़ा सा। तो गाइस अगर आप ये क्लिप देख रहे हैं तो मैं आपको एक चीज़ इन्फॉर्म कर दूँ कि अंकिता का जो ब्लॉग है ना उसको मैं प्रैंक में बदलने वाला हूँ, माई प्रैंक। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली 9 घंटे ट्रेन में अगर मैं परेशान हुआ हूँ और मैं इतने टाइम में एक प्रैंक ना सोच सकूँ ऐसा कैसे हो सकता है। तो गाइस उसको ये चीज़ पता नहीं होगी कि प्रैंक क्या है ऑब्वियसली। तो मैं क्या करने वाला हूँ, एक स्टॉप पहले या कभी भी मैं जैसे टाइमिंग चेक कर लूँगा लाइव स्टेटस रनिंग ट्रेन का जो मैं ऑलरेडी बार बार देख रहा हूँ, अंकिता अगर सो रही होगी तो मैं जो लॉन्गर रूट है डब्बे का उस तरफ चले जाऊँगा बिकॉज ऑब्वियसली अंकिता शॉर्टर रूट पकड़ेगी नीचे उतरने के लिए। तो मैं उस तरफ चले जाऊँगा एंड अंकिता को ये लगेगा कि मैं नहीं हूँ ट्रेन में या ढूंढेगी। उससे पहले अंकिता के फ़ोन में मैं छोटे छोटे सेकंड्स के मिस कॉल मारूंगा, मतलब एक रिंग करके छोड़ दूंगा, एक रिंग करके छोड़ दूंगा, सो दैट उसके अंदर बहुत सारे मिस कॉल्स दिखे सिर्फ पर उसको पता ना चले कि कॉल आया एंड उसको ऐसा लगेगा कि वो नींद में थी इसलिए उसको कॉल्स पता नहीं चले। एंड फाइनली वो मुझे कॉल करेगी जैसे स्टॉप पर पहुँचेगी अगर, या फिर मुझे कॉल करके उठाना पड़ेगा बाई चांस अगर उससे सही में स्टॉप मिस हो गया। तो अभी ये क्लिप देख रहे हो तो डेफिनेटली वो प्रैंक सक्सेसफुल हो गया है। एंड क्या होगा कि होगा ये कि अंकिता को मैं ये बोलने वाला हूँ कि मैं एक स्टॉप पहले, मतलब जो भी पहले दूर वाला स्टॉप था उसमें मैं कुछ लेने के लिए नीचे उतरा, पानी या नाश्ता या कुछ भी, एंड मेरे से ट्रेन मिस हो गई है एंड तूने फ़ोन उठाया नहीं, मैं वहीं पर रह गया। तो देखते हैं उसके रिएक्शंस क्या होंगे। ऑब्वियसली मैं ट्रेन में रहूँगा एंड मैं मिस नहीं करूँगा ट्रेन। तो देखते हैं उसके रिएक्शंस क्या होते हैं और मैं कैसे उसको प्लेस करूँगा, कैसे प्लान करूँगा इस पूरे ट्रैक को। तो देखते गाइज डू सपोर्ट एंड एंजॉय अंकिता का ब्लॉग टर्न इन टू प्रैंक, माय प्रैंक। एंजॉय एक्चुअली अंकिता पीछे की सीट पर आ गई थी क्योंकि पीछे की सीट पर जो भाई थे वो चले गए एंड वो अभी सो रही है। नेक्स्ट स्टॉप हमारा है जहाँ पर हमको उतरना है जो बोरीवली मुंबई में एंड मैं यहाँ से अभी चला जाऊँगा एंड
के मतलब मैं बैग लेके क्यों नीचे उतरा था चीज़ें के लिए, तो एक बार प्रॉब्लम ये होगी तो अंकिता को सारा सामान लेके उतरना पड़ेगा। एक सेकेंड मैं बाहर निकल कर बात करता हूँ। हाय गाइस, तो जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ जो लॉन्ग रूट है वो मैंने किया, तो होपफुली जो शॉर्टर रूट है वो अंकिता लेगी। अगर वो इस साइड से आएगी तो नहीं हो पाएगा क्योंकि वो मुझे देख लेगी। अंकिता ने जो अलार्म रखा है वो बजेगा। मैंने पिछले कम से कम 20 से 25 छोटे छोटे मिस कॉल मार के रखे हैं उसको, तो अगर वो उठेगी तो उसको ऐसा लगेगा शिट इसके जब फोन आया था, पर मैंने उठाया नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ मैं क्या कर रही है यार, मेरी ट्रेन मिस हो गई थी, मैं फोन कर रहा हूँ तो उठा भी नहीं रही है। मैं जो भी हो लेट्स सी, ठीक है गाइस, यू गाइस कीप वॉचिंग दिस प्रैंक एंड अगर लाइक नहीं करना तो लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन भी दबा। बहुत ही ज़्यादा नेटवर्क कट रहा था, मैं आपको बेसिकली बता दूँ कि क्या बात हुई। अंकिता थोड़ा चिल्लाई कि बच्चा है क्या ये वो वगैरह वगैरह, एंड अब करना क्या है वो मुझे बोल रही थी चेन खींच लो, मैंने बोला ए चेन मत खींचना, चेन खींच लिया फाइनल में भरना पड़ेगा। बहुत नॉइज़ी है, तो अंकिता उतर गई है एंड मैं दूसरी लेन पे आ गया हूँ। एंड तो मुझे कॉल करने की ट्राई कर रही होगी बट एयरप्लेन मोड ऑन कर रखा है मैंने, एंड मैं आपको दिखा रहा हूँ मैं एग्जैक्ट मैं पीछे कर रहा हूँ। अभी उसको पता नहीं है मैं थोड़ा आगे की तरफ जा रहा हूँ एंड वो ढूंढ रही है मेरे को। मैंने एक्चुअली एयरप्लेन मोड इसलिए चालू किया दो रीज़न, एक तो वो टेंशन वजह के हीरिंग का फोन भी बंद आ रहा है एंड दूसरा रीज़न के मेरे को ऑडियो सही नहीं आ रहा था, तो गाइस मेरा भी बैग लेके खड़ी है, तो बात कर लेते हैं। हाय क्या हुआ, मुझे कॉल क्यों करी थी, तो फोन तो ये रहा ना मेरा। दिमाग बौखला भी आएगा तेरा थोड़ा सा, मैं उतर रहा था नीचे से पहले कहाँ मैं रुक गया था, कहाँ पे अरे हाँ तेरी बैग है, कौन सा नाश्ता क्या बोल रही है तू, सपने में आया क्या, नींद में सपना आया था अंदर ट्रेन में, फोन किया था मेरे को, मैंने कहा फोन किया था उसका है दिया था, देख तो पक्का सपना आया था अंकिता, कुछ भी तेरी मेरे बात हुई है देख, अभी बात हुई नहीं, मैं तो वॉशरूम जाता हूँ ना जाकर अभी जस्ट मिलता हूँ, मैंने बात करी है तो अंकल से भी पूछा, पता है क्या पूछा तुमने, वो लड़का कहाँ गया अच्छा तो क्या बोलूँगा वॉशिंग है ना, पर कब से कॉल किया आने तो थक गई है अंकिता, तेरे को अभी भी समझ में नहीं आ रही ये प्रैंक किया तो तू मेरा बदला लिया, मैंने तेरे को सोफा सिटिंग चेयर कार के अंदर बिठा के लाई, सुबह ऐसी भाइया निकली थी लाई, तो तू उसका बदला ले रहा मेरे से। अच्छा आप तेरे को जो एक्सपीरियंस पूछना है पूछ ले ताकि तेरा भी ब्लॉग ना देख, मेरा ब्लॉग हुआ ही नहीं, पर तू सो जाए उसमें मेरा प्रॉब्लम थोड़ी ना है, सो जाए मतलब नींद नहीं आएगी क्या, कोई इतने घंटे तक क्या करता रहेगा। अच्छा ठीक है तो पूछना है, पर टेंशन में मैं चेन खींचते थे तब चेन खींचने के पैसे लगते हैं, फिर पर चेन खींचना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है क्योंकि चेन खींचती तो ट्रेन रास्ते में खड़ी हो जाती है, ट्रेन रास्ते में खड़ी हो जाती तो वहाँ से थोड़ी ना पैनिक हो जाती, तो अच्छा बोलना
अब देख कैसा कैसे एक्सपीरियंस करवा दी तेरे को इसका बदला। बाय द वे कैसा था तेरा एक्सपीरियंस? हाँ, मेरा एक्सपीरियंस अंकिता के साथ ये ब्लॉग में ट्रेन में ट्रैवल करने का सुपर घटिया था। मेरे बैग मेरा नेक सब पेन कर रहा है एंड इट वाज नॉट एट ऑल अ गुड साइन। मैं ज़िंदगी में कभी दूसरी बार सफर में ट्रैवल नहीं करूँगा। मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है, ओके रहा, इतना बुरा भी नहीं था, बस एसी था। इसके लिए पहले मैं सोच गई कि हाँ एसी बिना है, देन फिर मैं ओके फाइन एसी तो है। हाँ ये तो इनको मैं अपने बताया ही नहीं है, सबसे पहले जब डब्बा ढूंढ रहे थे D2 लिखा था ना, वो अलग फॉन्ट में लिखा हुआ था, तो हमको लगा वो C1 C2 है, और ये जैसे ये वाले डब्बे होते हैं ना, हमको लगा वैसे बैठ के जाने का नॉन एसी में। हम एक क्यूट अंकल से मिले। हाँ वो तो मैंने वीडियो में दिखाया है, दिख जाएंगे। और हिरेन की तो उनके साथ बहुत बड़ी, उनके बाजू में भी बैठे थे, और वो अंकल देख के मुझे मेरे दादाजी की याद आ रही, वो बहुत ज्यादा सिमिलर लग रहे थे। हिरेन ने बहुत सारी बातें की, हिरेन ने नंबर एक्सचेंज किया। ओके गाइस, तो इन शॉर्ट मेरा बहुत बेकार एक्सपीरियंस था, और इसको मैंने प्रैंक में बनाने की कोशिश की एंड मेरा ब्लॉग खराब कर दिया। मेरा ब्लॉग ऐसे भी नहीं बना था, तो सॉरी। और पूरे वक्त तो बनाने वाली थी, पूरे वक्त थोड़ी ना ऐसे करती रहती, उसी को ब्लॉग बोलते हैं। एनीवेज गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन, लाइक द वीडियो, बाय गाइस, एंड अच्छे अच्छे वीडियोस और बनने वाले, तो कीप वॉचिंग। ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो अभी हम शॉर्ट में काटने की कोशिश करेंगे इसको।